बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी, आपके साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अब यह है कि सऊदी अरबिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर एक काफी खुशी की खबर सामने आ रही है। आप भाइयों के साथ चंद दिन पहले ही जब मैंने एक न्यूज शेयर की थी इकामे और छुट्टी बढ़ाने को लेकर, जब शाह सलमान ने इसके मुतलक भाई ऐलान किया था, जो भाई छुट्टी पर गए हुए थे उनके इकामे और छुट्टी मजीद बढ़ा दी गई थी, तो उस टाइम ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि आने वाले कुछ ही दिनों में सऊदी अरबिया अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बहाल कर सकता है। तो इसके मुतलक एक खुशी की खबर सामने आ रही है, आप भाइयों के साथ वो शेयर कर दो। यहां पर सबसे पहले भाई आपको यहां पर मैं ये कर दूं, सऊदी अरब में इंट्री के मुतलक, यानी कि सऊदी अरब में इंट्री को लेकर बहुत सी दुनिया भाई सीरियस है और बहुत सी दुनिया सऊदी अरब में आना चाहती है। उसके मतलब यहां पर मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा रहा हूं, जब जमीनी रास्ते खोले गए हैं बहरीन के, तो आप रश देख सकते हैं इसके मुतलक सब। और दूसरी बात, यहां पर मैं उन कंट्रीज के यानी कि 11 ममालिक के लिए सऊदी अरब ने फ्लाइट्स खोल दी है, उनके नाम यहां पर आपको सबसे पहले दिखा दूं भाई, फिर आपके साथ आगे वाली यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के मुतलक जो भी न्यूज आ रही है वो भी आप भाइयों के साथ आगे इसी वीडियो में भाई डिटेल के साथ शेयर कर देता हूं। यहां पर आप देख रखे होंगे अल इमारात, सबसे पहले अमारात का यानी कि दुबई का नाम रखा गया। अभी दुबई के रास्ते सऊदी अरब में इंटर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसके मतलब भी आप भाइयों के साथ मैं एक भाई न्यूज शेयर कर दूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। अल अमानिया, अल वलायत अल मुतहद्दा, अल आयरलैंड है, इतालिया, अल बर्तगाल है, अल मुमलकत मुतहद्दा है, अल स्वेद है, अल स्वेसरा है, अल फ्रांस, अल यापान, ये उन 11 कंट्रीज के नाम है। यहां पर आपको मैं चलाकर दिखा भी दिए हैं भाई, आप इनके आप फ्लैग वगैरह भी साथ में देख सकते हैं जिनकी सऊदी अरब में फ्लाइट ओपन कर दी है। अच्छा, इन 11 कंट्रीज में बसे हुए तमाम भाई सऊदी अरब में आ सकते हैं, यानी कि इनके शहरी, और वहां पर बसे हुए तमाम तर गैर मुल्की, चाहे वहां पर भाई वो स्टे किए हुए हैं सऊदी अरब में इंट्री को लेकर, चाहे वहां पर यहां से वीजे के थ्रू सऊदी अरब का सफर कर सकते हैं, यानी कि गैर मुल्की भी इन कंट्री से सऊदी अरब में आ सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया की फ्लाइट को लेकर, तो आने वाले कुछ ही दिनों में उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल फ्लाइट सऊदी अरब ओपन करेगा, लेकिन इंडिया के मुतलक आप सब भाइयों को पता है कि इंडिया के जैसे हालात चल रहे हैं, इसको देखते हुए इंडिया की फ्लाइट भाई मजीद लेट हो सकती हैं। हाँ, आने वाले कुछ ही दिनों में इसके मतलब जैसे ही कुछ गुड न्यूज आएगी वो भी आप भाई के साथ वक्तन फक्तन जरूर शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।